Good afternoon, dear students. Yesterday we have discussed purchase book, chapter 12, subsidiary books. Today we will discuss next book, that is the sales book. Okay, second book is sales book. So all credit sales of goods are recorded in the sales book. जितने भी credit के transactions में sales से related, वो सब हम इसमें record करते हैं. Cash sales will be recorded in the cash book, not in this sale book. जैसे purchase book में भी हमने ऐसे किया था कि सारे credit की जो purchases से related transactions थी वही हमने record की थी, और जो cash से related थी वो सारी cash book में related record होंगी. Same ऐसे ही इसमें भी होगा, जो भी कैश सेल्स से रिलेटेड है आपकी वो सारी कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे, एंड जो आपकी क्रेडिट से रिलेटेड है वो सारी सेल्स बुक में. ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स, जैसे इसके अलावा अगर कोई और ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, अब सपोज कर लो सेल की कोई एसेट, तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे. ये वही पॉइंट है जो हमने परचेज में कंसिडर किए थे. एक तो कैश सेल्स से रिलेटेड कंसिडर नहीं करना आपको. सेकेंड थिंग, इसमें जो एसेट सेल होती है, एसेट्स आर डिफरेंट एंड गुड्स आर डिफरेंट. गुड्स आपकी कौन सी होंगी, जिसको डील किया जाता है डेली, जिसके जिससे रिलेटेड वो बिजनेस है, तो उन्हीं गुड्स को जब हम सेल करेंगे वही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे. ये आपने माइंड में रखनी है पॉइंट. अगर मशीनरी, फर्नीचर या कोई भी एसेट इस तरह से सेल हो रही है, ठीक है, तो वो आपकी गुड्स नहीं है. ये आप इसको पॉइंट को माइंड में रखना है, और वो हमारी एसेट है. एसेट की रिकॉर्डिंग हम सेल बुक में नहीं शो करेंगे. ठीक है, और सेकंड थिंग, जो एसेट की रिकॉर्डिंग है उसको हम जर्नल प्रॉपर में ही शो करते हैं. ठीक है, ऐसे कैश सेल्स से रिलेटेड जो भी होंगी या ट्रांजेक्शन, वो कैश बुक में जाएंगी या फिर जर्नल प्रॉपर में जाएंगी. ठीक है, और अब इसकी रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास एक जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में वैसे ही इसमें आप जैसे हम परचेज में कर रहे थे, जीएसटी इसमें यूज किए जाएंगे. हम जीएसटी भी कैलकुलेट करेंगे, सीबीएसटी, एससीएसटी, अगर ये इंटरस्टेट है, और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी. ओके, तो ये आपका फॉर्मेट है जो आपके सामने है बोर्ड पे. फर्स्ट कॉलम डेट, द डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम. आप उस डेट को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो गुड्स आपने क्रेडिट पे सेल किए हैं. सेकेंड है पर्टिकुलर्स, तो इन एडिशन टू द नेम ऑफ द कस्टमर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, दिस कॉलम ऑल्सो कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कि आप कितनी गुड्स सेल कर रहे हो, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका रेट क्या है, ग्रॉस अमाउंट क्या है, इसके अलावा अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो क्या है, वो सब आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, सेकेंड थर्ड जो आपका कॉलम है वो है आपका इनवॉइस नंबर. आपके पास इनवॉइस नंबर गिवन होगा, वही आप इसमें मैंशन कर दो. देन लेजर फॉलियो आपको क्लियर ही है, जो भी आपका पेज, जिस पेज पे भी इसका लेजर होगा उस ट्रांजेक्शन का, वो यहाँ पर मेंशन होगा. देन डिटेल्स, सो दिस कॉलम इज यूज्ड टू राइट द इंडिविजुअल एक एक नंबर फॉर द ट्रेड या फाइनली, दिस आल्सो यूज्ड टू ऐड द, इसमें हम अमाउंट कौन कौन से ऐड करते हैं, आउटपुट सीपीएससी एंड आउटपुट एससीएससी या फिर आउटपुट आईजीएससी, ये सब ऐड करके हम इसमें प्रॉपर डिटेल्स शो करेंगे. नेक्स्ट आपका कॉलम है सेल. सेल में आपके पास सिर्फ वही आइटम्स हैं, जैसे कि आपने जो भी आइटम सेल की माइनस पे डिस्काउंट, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट जिसके ऊपर वो सेल किया गया वो अमाउंट यहाँ शो होगी. आउटपुट सीबीएसई में उसका जो सीबीएसई आपने कैलकुलेट किया, ऐसी एससीएसटी में जो एससीएसटी कैलकुलेट किया, आईजीएसटी में जो आईजीएसटी कैलकुलेट किया, टोटल अमाउंट में ये सारे कॉलम सेल, सीबीएसई, एससीएसटी, सारा टोटल जो आएगा वो आप टोटल पे कॉलम में शो करोगे. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है. इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको ये सारा जो है प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए. ठीक है, तो सेल्स बुक का ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर है, पेज नंबर 12.9, इलस्ट्रेशन नंबर 3. ओके, ओपन दिस पेज. प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब, एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%. ठीक है, यहाँ पर आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी गिवन है, और ये पंजाब से रिलेटेड है, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी पंजाब के अंदर ही रहेगी वो आपकी इंट्रास्टेट है, तो इसमें तो उसमें आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे, और अगर पंजाब से बाहर कोई और स्टेट से रिलेटेड आएगी देन यू विल कैलकुलेट आईजीएसटी. ओके,
The first item is 2018 May 1st, sold goods to 5-star furniture company, Patiala, Punjab, on credit. Okay, so first item आती है, ये 5-star furniture company से है, क्योंकि इसमें जो goods हैं, वो भी आप देखो, ये आप उसका नाम है नवकेतन फर्नीचर हाउस. तो फर्नीचर ये यहाँ पर एसेट नहीं है, फर्नीचर का वो वर्क कर रहे हैं, गुड्स है उनके लिए. तो यहाँ पर फर्नीचर गुड्स है. ओके, तो डेट मेंशन करेंगे 2018, मेरे साथ सब करेंगे साथ सब नोटबुक पे. ठीक है, डेट है मई फर्स्ट. 5-star फर्नीचर कंपनी पटियाला, जो भी प्रॉपर इसका एड्रेस है वो आप सारा लिख दीजिए. देन आप जो भी आइटम सेल हुई हैं, क्वांटिटी, उनका रेट, वो सब मेंशन करो. 150 चेयर्स एट द रेट 150 चेयर्स एट द रेट रुपीज 1800. आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1800 मल्टीप्लाई बाय 150, इट विल बी 2,70,000. ये आप डिटेल में शो करोगे. देन है आपके पास 36 टेबल्स एट द रेट 5,000 ईच. 5,000 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आपके पास आएगा 36,580, तो 1,80,000. ओके, टोटल कर लो आप. टोटल इज 0,0,0,0,15,5,2,3,4,4,50,000. ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है, तो आप लेस करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% of 4,50,000. Okay, it will be 90,000. Okay, after the deduction, it will be 3,60,000. Then now we will add GST, because this is related to the Punjab. If Punjab se hi related hai, to CGST or SGST we will add. CGST at the rate 6% per annum, SGST at the rate 6% per annum. दोनों कैलकुलेट कर लो आप 3,60,000 पे, तो ये आपको जो आएगा मल्टीप्लाई करके, that will be 21,600. Total will be 4,03,200. Okay, 4,03,200 closing total is की. Okay, अब सेल में आपके पास जो भी सेल तक की आपने की थी, ये है 3,60,000. CGST is 21,600. SGST also 21,600. Total आपका जो आएगा इन तीनों को प्लस करके, इट विल बी 4,03,200. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट डेट वाइज करते जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट में ये आपकी ट्रांजेक्शन डन है. नेक्स्ट डेट है आपके पास 15 मई, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, अमृतसर, पंजाब. ये भी पंजाब की है, तो CGST भी कैलकुलेट करेंगे. तो 10 एलमीराज एट द रेट रुपीज 11,000 ईच, 5 सोफा सेट्स एट द रेट रुपीज 18,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 15%. तो इसको भी करते हैं. विशाल, ये मेन 15 है. विशाल फर्नीचर हाउस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से, बट आपने नहीं करना है, आप इसको में पूरा लिखोगे. अमृतसर, ओके, आइटम्स है 10 एलमीरास एट द रेट रुपीज 1,000 की ईच है.
तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 1000 है कि कितना है, 11000, 11000 ईच. तो 11000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट विल बी 1,10,000. ओके, सेकंड है इसमें 5 सोफा सेट एट द रेट रुपीज 18000 ईच. 18000 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 90000. टोटल 110 प्लस 90 ये हो जाएगा 2,00,000. लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 15% रेट, 15% ऑफ 2,00,000 इट विल बी 30000. लेस कर दो 30000 then will be 1,70,000. Then add CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Okay, it will be 6% on 1,70,000 you will calculate. It will come 10,200. Total will be 0,0,4,0,7,8,9,1,1,90,400. Okay, and sale amount is 1,70,000. GST 10,200. Total is 1,90,400. Okay. Now next transaction क्या देखेंगे? 20th date है 20th May. Sold goods to Prakash Furniture House, New Delhi. 100 chairs at the rate rupees 2,000 each. Less 5% trade discount. ओके 5% ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा. अब यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली से है ये, तो दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट आईजीएसटी. इससे हम लोगों को आईजीएसटी कैलकुलेट करना है, और आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रेट है उसको प्लस कर लेना है. मतलब 6 + 6 12% आईजीएसटी इसमें हो जाएगा 12%. ओके, तो मई 20th डेट आप डालो इसके, एंड देन प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली है. 100 चेयर्स है 2000 ईच. 100 चेयर्स एट द रेट रुपीज 2000 ईच. अमाउंट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000 2,00,000. ट्रेड डिस्काउंट आपके पास गिवन है इसमें ओनली 5%. तो यहीं पर आप लेस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% 5% ऑन 2,00,000. ओके, इट विल बी 10,000 विल 1,90,000 एट आईजीएसटी एट द रेट 12% 6 + 6 12%. ओके, तो आईजीएसटी आप इसमें 12% डायरेक्टली इसमें कैलकुलेट करोगे ऑन 1,90,000 पे. तो ये आएगा आपका 22,800. ऐड करो इसको 0,0,8,2,9 + 2,11,2,12,800. ठीक है, अभी सेल वैल्यू क्या है आपके पास 1,90,000. सीजीएसटी कुछ नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, तो यहाँ पर आईजीएसटी है. तो 22,800 टोटल आपका है 2,12,800. यहाँ पर आप सबका टोटल कर दोगे, जो बाकी कॉलम्स हैं उनका भी टोटल कर दो. ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 7,20,000. अभी एक बार वैसे मैं स्टेटमेंट आपकी रीड कर देती हूँ, लेकिन वो कैश के ऊपर है. 25th डेट
सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश, तो कैश के आइटम आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, इसके लिए आप कैश बुक में इसको कंसिडर करोगे। नेक्स्ट 28 डेट सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, बिकॉज ये आप फर्नीचर से रिलेटेड है, इसकी गुड्स आपके फर्नीचर है, अगर यहाँ कोई मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ रही है तो वो ट्रांजेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू द एसेट, तो वो एसेट से रिलेटेड है और वो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर में शो की जाएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों के लिए वर्किंग नोट शो कर दो 25 और 28 के लिए, और आपकी जो ट्रांजेक्शन सेल्स बुक से रिलेटेड थी वो हमारी ये तीन ही थी, तो आपने इसको यहीं पर ही कंप्लीट कर देना है, इसमें सारे कॉलम्स का आप टोटल करके दिखा दो, ठीक है। ये आपका इस नेक्स्ट कॉलम है, ये आएगा 31,800, 22,800 और इसका भी आप टोटल तीनों का टोटल आप कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पास 8,06,400, क्लोज राइट। ये आपका था टोटल आप लास्ट में आगे करते हो, तो मंथ के लास्ट में 31st of May को आप इसका टोटल कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसी से मिलता जुलता है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी है आपके पास, तो जो इसमें चेंज आया है वो देख लेते हैं एक बार, मैं रीड कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर है 12.11, ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता वेस्ट बंगाल एज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%, ओके। यहाँ जो सेल्स हो रही है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आइटम्स होंगी वो इसमें गुड्स हैं, ओके। 2018 January 3rd सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, तो ये आपका वेस्ट बंगाल से है तो कोलकाता का ही है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है, तो इसी CGST और SGST हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। इन्वॉइस नंबर भी गिवन है 431, तो आप इन्वॉइस नंबर का आपके पास ये वाला कॉलम है, इसलिए आप इन्वॉइस नंबर डालते जाना, ठीक है। 5 कलर टीवी सेट्स एट द रेट 20,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, जैसे हमने ये किया है सेम ऐसे ही आप कर लोगे इसको भी। नेक्स्ट है 10 डेज सोल्ड टू द गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना, पटना बिहार आपकी अलग स्टेट होती है, तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे IGST, ओके। तो वही आपको देखना है, जैसे IGST वाला पॉइंट इसमें भी था आपके पास, जो भी आपके स्टेट से बाहर की जो भी डीलिंग होगी उसको आप IGST में शो करेंगे, और जो भी आपकी अपनी खुद की स्टेट के अंदर है उसमें CGST और SGST कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और IGST मैंने आपको बता दिया कि दोनों को प्लस करके ही आपको IGST कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है 12 डेट सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता कैश मेमो नंबर, अब यहाँ कैश मेमो नंबर का मीन्स क्या हुआ, ये कैश से रिलेटेड है, कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश ट्रांजेक्शन आप कहाँ शो करते हो, कैश बुक में, ठीक है। तो इसको लिए भी वर्किंग नोट में बोलोगे कि गुड्स आर सोल्ड टू राघव एंड सन्स फॉर कैश, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट इन सेल्स, तो आप इस तरह से इसका एक वर्किंग नोट दे सकते हो। नेक्स्ट है 16 डेट सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, तो ये अलग स्टेट है, फिर इसमें भी आपको IGST कैलकुलेट करना है। 8 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 15,000 ईच एंड 10 कलर टीवी सेट 20,000 ईच प्लस ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने एक बार आइटम्स भी सारे देख लेंगे कि वो सारे गुड्स से रिलेटेड ही है, यस, इसको भी आप इसमें ऐड करोगे, कंसिडर करोगे, तो इसमें आप IGST कैलकुलेट करना, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन है जैसे ही हमने किया है वैसे ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज आपके क्वेश्चन नंबर आपका 3 और 4 आपका इसमें डन है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो भी मैं आज आपको इसमें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट बुक है आपके पास परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सो दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स
एज वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो हमने पहले क्रेडिट बेसिस पे कुछ भी परचेज कर लिया और अभी हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. सो दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड. ओके, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी इसी का नेम है. इसे कंफ्यूज नहीं होना, आपने हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि इसको हमेशा दोनों नामों से ही यूज किया जाता है, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, सेम थिंग है. सो देयर मे बी वेरियस रीजंस कि इसको रिटर्न के लिए भी हम इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो सप्लायर है वो सारा रिकॉर्ड जो है हमें रखना है, क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे है, तो इसके लिए भी हमें इसको रिकॉर्ड रखना होता है. तो व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, हम वापस क्यों करते हैं? अगर जैसे मान लो कि सैंपल उन्होंने कुछ और दिखाया और जब हमने ऑर्डर किया तो उस टाइम पे उन्होंने मटेरियल कुछ और अलग से भेज दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिटर्न करना पड़ेगा. सो व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर किया, जिस आइटम को हमने ऑर्डर किया, मे बी वो से मिलती जुलती आइटम हो पर वो सेम ना हो, क्वालिटी वाइज डिफरेंट हो, इंफीरियर हो या कुछ भी हो, चेंज है, तो इसलिए भी हम उसको रिटर्न करते हैं. व्हेन द गुड्स आर डिलीवर और दे हैव बीन डैमेज इन ट्रांजिट, आते हुए डैमेज हो गई गुड्स, ठीक है. व्हेन द प्राइस चार्ज इन द इनवॉइस इज इन द एक्सेस ऑफ द एग्रीड प्राइस, जो प्राइस उन्होंने एग्री किया था उससे वो एक्स्ट्रा प्राइस हमारे को इसमें चार्ज कर रहे हैं, तो मे बी उस केस में भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है. एंड व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड इन टाइम, अगर टाइमली हमें गुड्स नहीं रिसीव हुई तब भी हमें उसको रिटर्न कर देते हैं, तो मतलब कुछ भी रीजन हो सकते हैं रिटर्न करने के. तो व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, तो उस केस में डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स. तो वो जो डेबिट नोट है कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी, जिस पार्टी से भी हमने इसको परचेज किया, ठीक है, टू होम द गुड्स हैव बीन रिटर्न. तो डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न, जो भी हम उसमें गुड्स वापस कर रहे हैं उसके उसके अंदर उसमें उस डेबिट नोट में वो सारी डिटेल रहेगी. एंड द रीजन फॉर रिटर्निंग, उसमें जो कारण है हमारा, उसको हम क्यों वापस कर रहे हैं, वो रीजन भी हम उसमें मेंशन करते हैं. तो ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड, उनके अंदर एक सीरियल नंबर होते हैं हर डेबिट नोट के अंदर, डेट होती है और प्रिपेयर एंड इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ताकि उसको दोबारा से भी अगर जरूरत पड़े तो उसको कर सकते हैं डुप्लीकेट भी उसका प्रिपेयर हो जाता है. ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द सप्लायर, जो ओरिजिनल है वो सप्लायर को भेजी जाती है, ठीक है, उनको उसको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है. और जो भी गुड्स हम उसको रिटर्न कर रहे हैं उसमें प्रॉपर उसकी डिटेल्स भी होती है. तो इट इज कॉल्ड अ डेबिट नोट बिकॉज द पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द अकाउंट रिटर्न इन दिस नोट. रिवर्स एंट्री होती है, आपको पता है जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो रिवर्स एंट्री हो जाती है, तो जो पार्टी का नाम है वो डेबिट हो जाता है. तो द पार्टी टू होम द गुड्स हैव बीन रिटर्न ऑल्सो प्रिपेयर्स द, और वो लोग भी इसमें प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंट एंड सेंड द नोट विच इज कॉल्ड द क्रेडिट नोट. जो वो हमें भेजेंगे वो उनका होगा क्रेडिट नोट. हमने जो प्रिपेयर किया वो है डेबिट नोट, और उन लोगों ने जो प्रिपेयर किया, क्योंकि उनकी तरफ से वो सेल्स रिटर्न है लेकिन हमारी तरफ से वो परचेज रिटर्न है, ठीक है. तो हम लोगों ने डेबिट नोट प्रिपेयर करना है, उन लोगों ने क्रेडिट नोट प्रिपेयर करना है. और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेबिट नोट बिकम्स अ सोर्स डॉक्यूमेंट, ये हमारे लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट है. ये हमने चैप्टर 8 में अच्छे से कराया भी था मैंने आपको ये सब चीजें, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक, अ डेबिट नोट इज ऑल्सो सेंड व्हेन अ सेल्स इनवॉइस इज अंडर चार्ज बाय मिस्टेक, ये तभी भेजा जाता है, ठीक है, जब सेल इनवॉइस जो भी है, जो हमारा इनवॉइस है, अंडर चार्ज बाय मिस्टेक, और कोई सेल इनवॉइस इज अंडर कास्ट, और सम पर्टिकुलर गुड्स आर ओमिटेड, कुछ भूल गए हम उसमें डालना, तो टू बी रिकॉर्डेड उस केस में, ठीक है. इसका जो हमारे पास फॉर्मेट है वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हमारे पास आ जाएगा डेट, डेट का कॉलम है, देन है पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर के बाद अब यहाँ पर क्योंकि क्या है डेबिट नोट, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर डेबिट नोट प्रिपेयर हो रहा है, इनवॉइस नंबर की हमें यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है. ये आपका नेक्स्ट कॉलम आएगा डेबिट नोट, देन है लेजर फोलियो, ओके, देन डिटेल्स, ओके, देन सेल के लिए आएगा परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ओके. देन परचेज रिटर्न के साथ आपके पास आता है इनपुट सीजीएसटी
इनपुट सीबीएसई, ओके इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट, ये सारे कॉलम्स हैं. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. ओके परचेज रिटर्न बुक, राइट स्टूडेंट. तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन करेंगे, पेज नंबर 12.13, इलस्ट्रेशन नंबर 5. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%. ओके 2017 है, जून 15 रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन न्यू दिल्ली फॉर रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट गिवन आपके पास 140. तो रिटर्न किए गुड्स क्योंकि इससे हमने परचेज की होंगी उसी को रिटर्न करेंगे, ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आप सिर्फ नेम मेंशन करते जाना, देखा है आपके पास 2017 के राधा कृष्ण एंड सन, राधा कृष्ण एंड सन जून 15 डेबिट नोट आपके पास दिया हुआ है इसमें 140, वही नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है. और गुड्स जब आपके पास दी हुई है ये हैं, सीधी अमाउंट गिवन है रुपीज 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट था 10%, और सीधा अमाउंट लिखेंगे 20,000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो एट द रेट 10% ऑफ 20,000 विल बी 2,000, आफ्टर डिडक्शन इट विल बी 18,000, ठीक है. अभी इसमें ऐड किया होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, वही आपको वापस आपने भी करना है क्योंकि ये आपकी किस से रिलेटेड थी, न्यू दिल्ली से ही थी तो न्यू दिल्ली से ही है तो सेम स्टेट है. तो सीजीएसटी एट द रेट 6%, एसजीएसटी ठीक है 1080, ठीक है. टोटल आप कर दो इसमें 20,160. यहाँ पर परचेज रिटर्न में आपके पास कितना आएगा 18,000, ठीक है. सीजीएसटी में 1080, एसजीएसटी 1080, आईजीएसटी में नहीं है कुछ भी, इसका टोटल करके आप 20,000 160 यहाँ पर मेंशन कर दो, टोटल कंप्लीट. नेक्स्ट डेट है आपके पास जून 20th, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली फॉर रुपीज 50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल अकॉर्डिंगली नहीं आया तो इसलिए इसको भी हमने रिटर्न कर दिया है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो हम नहीं देंगे, डेट मेंशन कर दो बस 20, गोपाल एंड सन्स हैं तो जो एड्रेस वगैरह वो लिख दो, गोपाल सन्स दिल्ली से रिलेटेड ही है तो इसमें भी आपका सीजीएसटी और एचजीएसटी ही लगेगा, ठीक है. गोपाल एंड सन्स दिल्ली 141, इसका डेबिट नोट है आपके पास 50,000 से, ये अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कुछ लेस नहीं करना आपको, जस्ट सीजीएसटी एचजीएसटी ऐड करना है एट द रेट 6%, एट द रेट 6% ऑफ 50,000 विल बी 3,000 56,000 क्लोजिंग ये आएगा 50,000 3,000 56,000. नेक्स्ट डेट है आपके पास 25, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस रुपीज 10,000, डेबिट नोट रुपीज, डेबिट नोट 145, तो डेबिट नोट इसमें भी 145 है, ये मेंशन कर दो. यहाँ पर डेट है आपके पास 25 जून, ओके. रघुवीर प्रसाद
ये भी डेली से रिलेटेड है, तो डेली लिखो डेली। और एड इसमें भी कोई वो आपके पास मेंशन नहीं है, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो जस्ट एड CGST एंड FGST एट द रेट 6%, एट द रेट 6%, ये आपके पास आएगा 600 600। कंप्लीट हो गया आपका, टोटल कर दो सबका। टोटल इज 10,000 11,200 10,600 600 ठीक है, सॉरी सॉरी ये डिस्टिंग इसमें कंप्लीट टोटल आएगा आपके पास, ये आएगा 10,000 इसी के सामने आएगा, लेकिन एक बार हमने ये बाय मिस्टेक कर दिया, टोटल नीचे करना है मुझे इसका। अभी पहले इसका टोटल करेंगे, यहाँ पर 10,600 600 11,200 नाउ कंप्लीट टोटल। इसका तो हो ही गया है, ये कर दिया, टोटल ऑफ ऑल कॉलम्स 78,000 ओके 44,680 देन है 400,680 यहाँ पर कुछ नहीं है 87,360 ठीक है, ये आपका टोटल है। तो ये कंप्लीट है आपका ये वाला टॉपिक भी, परचेज रिटर्न बुक। सो स्टूडेंट्स अब आज आपकी ये वाली बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, तो यू कैन डू न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।